तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युगांडा मेंस कबड्डी लीग का आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 114वां मैच जो कि खेला जाएगा सुपीरियर क्लब वर्सेस शार्क्स कबड्डी जायंट्स के बीच में। तो दो ऐसी टीम्स के बीच में मैच खेला जाएगा भाई जो कि काफ़ी अच्छी पोजिशन पर है। दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ ही साथ भाई स्मॉल की टीम आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दीजिएगा। चलिए भाई अब बात करते हैं मैच की। तो यहां पर देखिए दोनों टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है टूर्नामेंट की, जहां पर शार्क्स कबड्डी जायंट्स नंबर एक की पोजिशन पर है, सुपीरियर क्लब नंबर तीन की पोजीशन पर है। तो यहां पर भाई आपको कम से कम सात से मतलब जैसे दोनों टीम से हमें सात प्लेयर लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैचेस में क्या होता है, एक टीम स्ट्रांग होती है, एक टीम वीक होती है, दोनों टीम वीक होती है, तो उनमें मतलब ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। उनमें भाई सात प्लेयर पूरे ही हमें अच्छे प्लेयर नहीं मिलते, हमें बुरे प्लेयर भी टीम में, मतलब बुरे प्लेयर का मतलब जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है वो भी टीम में लेने पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या सीन है कि दोनों ही टीम खतरनाक फॉर्म में, और दोनों ही टीम से अगर आप निकालोगे बेस्ट प्लेयर तो 10 बेस्ट प्लेयर आपको दिख जाएंगे। अब उन 10 में से किन तीन के ऊपर आपको रिस्क लेना है वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है मेरे भाई। चलिए भाई यहाँ से बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्ट 7 की। उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो, तो भाई उन सभी भाइयों से एक बार जरूर बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए क्यों जरूरी है वो आप देख लीजिए। 20 लाख रुपए की ग्रैंड लीग लगी हुई है इस जीएल कॉन्टेस्ट के लिए भाई, आपको 6 टीम टेलीग्राम पर मिलेंगी, ठीक है। कल आपको जीएल भी विन करवाया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हर मैच की आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम दे रहा हूँ, हर मैच की आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम दे रहा हूँ भाई, देख सकते हो। कोई सिंगल ऐसा मैच नहीं है जिसमें मैंने आपको ग्रैंड लीग टीम ना दियो। अब आप बोलो भाई टीम तो दे रहे हैं, जीएल विन करवा भी रहे हैं, नहीं भाई जीएल भी विन करवा रहे हैं, आप देखो तो सही, लगातार आपका भाई आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा रहे हैं, जीएल जीएल लगातार भाई हर मैच में आपको जीएल विन करवा रहा हूँ यार, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। हर मैच में जीएल विन का मतलब ये नहीं है कि हर मैच में जीएल में रैंक एक लेके आ रहा हूँ, मतलब हर मैच में जीएल की 6 टीम्स में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हालांकि कल तो हमने रैंक एक भी ला के दिखाई है। तो उम्मीद है दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता दूं आपको सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, सर्च करने जाओगे ना तो मेरे नाम से दुनिया भर के फेक चैनल बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपको लगेगा कि भाई मैंने किया है, ठीक है, और आप बाद में आके कमेंट में गालियां दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है भाई सबसे पहले ही आप सतर्क हो जाए और सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क ना करे तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम की बात हो गई, अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो पॉइंट्स टेबल में शार्क्स कबड्डी डिजाइंस भी क्वालिफाई कर चुके हैं टॉप 4 के लिए, सुपीरियर क्लब भी क्वालिफाई कर चुके हैं। स्कोर डिफरेंस आप यहां पर देख सकते हो दोनों टीम्स का, हालांकि भाई यहां पर शार्क्स कबड्डी डिजाइंस फिर भी थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेटिंग वे में मैचेज विन करके आ रही है, तो भाई फेवरेट मतलब फेवरेट तो मैं उसी को मान के चलूंगा, ठीक है। अब चलिए भाई टीम बनाते हैं यहां से। अब भाई यहाँ से दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 चेकआउट करते हैं, उसके बाद भाई यहाँ से टीम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यहाँ से बात करेंगे किसकी, शार्क्स कबड्डी जायंट्स की, क्योंकि फेवरेट ये है। अब देखिए एम बिनकोता, ये क्या बंद मतलब पता नहीं बंदा क्या ही करता है, क्या चार्जिंग पॉइंट इसका खो जाता है, चार्ज नहीं रहता ये। यहाँ पर देखिए एक मैच खेला, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर बाहर हो गया, यहाँ पर बाहर हो गया, यहाँ पर भी नहीं खेला, यहाँ पर भी नहीं खेला, नीचे आके फिर एक मैच में आया, फिर खतरनाक परफॉर्मेंस देगा, फिर तीन चार मैच गायब रहा, फिर अच्छा मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस, उससे पहले भाई लगातार खेला था और जब भी खेला है मतलब हर मैच में सामने वाली टीम को जम के पेला है। अगर खेलता है तो मस्ट पिक रहेगा, इवन कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा, ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन ये 90% चांस है कि शायद आपको खेलता ही ना दिखे, तो अभी के लिए ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। ई बुसुलवा की बात करेंगे, लास्ट मैच में कमाल परफॉर्मेंस है, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो। एम वालू सिम्बी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो। अब देखिए आपको ड्रॉप कब करना है इन तीनों में से किन्हीं दो को,
जब यहाँ से भाई एम बिन कोता खेल जाए। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर जय नामुते थे, तो इन्हें भी मैं अपनी टीम में अभी के लिए लेकर चलने की ट्राई करूंगा। बाकी दोनों टीम्स की देखें कि उनके सामने वाली टीम के डिफेंडर कितने हैं। अब बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉप फोर प्लेयर रहेंगे, लेकिन जो नहीं खेलता तो भाई वह तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए यहाँ से इन चार में से कन्फर्म है कोई एक तो कन्फर्म नहीं खेलेगा, हो सकता कोई दो भी ना खेले, ठीक है। अब अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ओ तुम इसी में आपको दिखेंगे जो लास्ट मैच में कैप्टन थे, वन साइडेड विनिंग करवा के आया बंदा हमारी, क्योंकि भाई लास्ट मैच में ये दोनों नहीं खेले। यहाँ पर एम अबोनिया भी नहीं खेला और एम वेंडेका भी नहीं खेला, ये दोनों नहीं खेले ना भाई, तो इसीलिए भाई ज्यादा चांसेस हो गए थे कि ओ तुम उसी में की परफॉर्मेंस आने ही वाली है। एम्बल एमजी की बात करें, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। अब देखिए इन तीन में से अगर तीनों खेल रहे हैं तो एम वेंडेका तो आपके लिए मस्ट ऑफ पिक है। फिर सामने वाली टीम के देखना कि ऑलराउंडर में अच्छे प्लेयर है तो भाई एक उनका ऑलराउंडर ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो भाई दूसरा जो प्लेयर रहेगा ना वो एम अबोनिया रहेगा। और अगर मान लो एम अबोनिया भी नहीं खेल रहा तो भाई यहाँ पर एम वेंडेका और ओ तुम इसे मेरे को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। या फिर मतलब एम वेंडेका नहीं खेल रहा तो एम अबोनिया ओ तुम इसे मेरे को ट्राई कीजिएगा, मतलब थर्ड पिक रहेगा ओ तुम उसी में। यहाँ से अगर बात करें रेडिंग सेक्शन की, तो ई सेंतोको को जीएल मिनी जीएल में और लास्ट मैच में हमारे वीसी से मिल लीजिए। भाई बंदे ने क्या ही गदर मचाया है, मतलब बवाल काटा है, ठीक है। या इसी मैच में तो जीएल विन किया भाई, यहाँ पर हमने एन किगोजी और यहाँ से भाई ओ तुम उसी में की वजह से, ठीक है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। बात करते हैं सामने वाली टीम की यानी कि भाई सुपीरियर क्लब की, तो देखिए इनकी तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एक प्लेयर दिखेगा जो कमाल करके आ रहा है। यहाँ पर लास्ट के दो मैच देखिए, एक कीजा को बहुत ही शानदार प्लेयर है, 100% ट्राई कर सकते हैं। के किम्बुगवे जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, अगर खेलता है ना तो भाई आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एम तेनवे की बात करें, लगातार भाई एक दो मैच में फ्लॉप चलता है, फिर एक मैच में आकर खतरनाक परफॉर्मेंस देता है, तो जीएल मिनी जीएल के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी अगर आप चाहो तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन के बाद बात करते हैं रेडिंग सेक्शन की, और ससे ग्रेडिंग की बात करेंगे, ठीक ठाक प्लेयर मतलब हर मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फ्लॉप काफी कम हो रहा है। के किजीटो की बात करें, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में इजीली ड्रॉप कर सकते हो। आर ससेक मेटे बहुत ही शानदार प्लेयर है, सीवीसी का एक और अच्छा चॉइस रहेगा आपके लिए जीएल मिनी जीएल में, तो आप इसे कैप्टन या वीसी जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, छह टीम में से कम दो टीम में, ठीक है। इसके अलावा इस मुटे भी अगर खेलता तो प्लेयर ये भी काफी शानदार है, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। इसीलिए तो मैं बोल रहा था भाई सामने वाली टीम से दोनों टीम से मिलाकर आपको 10 से 11 प्लेयर अच्छे दिख जाएंगे। अब यहां से अगर बात करें भाई यहां पर जो डिफेंस सेक्शन है, यहां से बात करें तो यहां पर भी दो प्लेयर इनके दिखेंगे आपको, आर तुमुसुजा आपको दिखेंगे जो लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, बल्कि भाई आई निगरबानो आपको दिखेंगे जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है, 100% आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो। चलिए अब मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं, यहां से अभी के लिए भाई मैं अपनी टीम में लूंगा ई बुसुलवा को, आई निगरबानो को, एम वालू सिम्बी को, और यहां से भाई जे नामू तेते को अपनी टीम में लेना चाहता हूं, बट ले नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई सामने वाली टीम मतलब सामने जो सेक्शन है वहां पर भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो यहां से भाई अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से, तो यहां से देखिए एक प्लेयर तो हमारे पास कोई डाउट करने की बात ही नहीं है, एम वेंडेका अगर खेलता तो यहां से मस्ट पिक रहेगा, ठीक है। और फिर आप दूसरा प्लेयर अगर आप चाहो तो एक ईजा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेफ जाना तो भाई एम तेनवे या फिर भाई के किम्बुगवे, इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, बट मैं सेफ नहीं जा रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई लॉजिकल पिक के साथ, एक कीजा के साथ। बात करेंगे रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ से एन किगोजी हमारी टीम में रहेंगे, और सामने वाली टीम से लेने वाला हूँ भाई मैं यहाँ से आर ससेक मेटे को, इन दोनों को अभी के लिए मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। सी वी सी की बात कर लेते, तो अगर यहाँ से एम वेंडेका खेल जाता तो कैप्टन भाई हमारा यही रहेगा। वी सी की अगर बात करें तो वी सी देखिए अगर एम बिनकोता खेलेगा तो मैं उसको ट्राई करके ले लूँगा, अदरवाइज भाई आई निगरबानो या फिर आर ससेक मेटे, दोनों ही अच्छे खासे किसी का ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं आई निगरबानों के साथ जा रहा हूं। फाइनल टीम जो भी रहेगी दोस्त, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, अभी के लिए आप इसी टीम को फाइनल मानकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, ग्रैंड लीग की छह टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, स्मॉल लीग की आप इसे प्रिडिक्शन टीम या डेमो टीम मान सकते हो, फाइनल टीम मत मानना, क्योंकि भाई काफी सारे प्लेयर्स के खेलने और ना खेलने पर कंफ्यूजन है, तो जो भी नहीं खेलेगा उसको ड्रॉप करेंगे, जो कोई अच्छा प्लेयर खेलेगा उसको पिक करेंगे और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर देंगे। तो उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, छह ग्रैंड लीग की टीम प्लस स्मॉल लीग की फाइनल टीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।